गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, की आयो कच्छी माड़ुओ, सी केड़ो आए, शियारो अने कोरोना बोय में ध्यान रख जा। अज कच्छ अची मुके बेवड़ी खुशी थे रही आए। बेवड़ी एटले आए के कच्छड़ो मुझे दिल जे बोरो आए। बियो एतरे कि आज कच्छ गुजरात न पण देश जी ओळख में पण हकड़ो तारो जोड़े लाए मैंने तो। साथियों, आज गुजरात और देश के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि भी है। मां नर्मदा के जल से गुजरात का कायाकल्प करने का सपना देखने वाले सरदार साहब का सपना तेजी से पूरा हो रहा है। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हमें दिन रात एकजुट होकर देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। सरदार साहब का स्मरण करते हुए हमें इसी तरह देश और गुजरात का गौरव बढ़ाते ही रहना है। साथियों, आज कच्छ में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सोचिए, हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूअल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है, जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। अब आपको अंदाज आता होगा कि कितना विशाल होने वाला है। 70,000 हेक्टर यानी भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये जब सुनते हैं ना, ये शब्द कान में पड़ते हैं, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है कच्छ वालों को? मन कितना गर्व से भर जाता है। साथियों, आज कच्छ ने न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी दोनों ही दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो, मांडवी में डिसेलिनेशन प्लांट हो और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास, तीनों ही कच्छ की विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाले हैं। और इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के मेरे किसान भाइयों बहनों को, पशुपालक भाइयों बहनों को, यहां के सामान्य नागरिकों को और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। साथियों,
मैं जब कच्छ के विकास की बात करता हूं तो मन में बहुत सारी पुरानी सारी यादें सारी तस्वीरें एक साथ आने लगती है। एक समय कहा जाता था कच्छ इतनी दूर है, विकास का नामो निशान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली पानी सड़क चुनौती का एक प्रकार से दूसरा नाम ही ये था। सरकार में भी ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग देना है तो कच्छ में भेज दो, और लोग भी कहते हैं मुझे तो काला पानी की सजा हो गई। आज स्थिति ऐसी है कि लोग सिफारिश करते हैं मुझे कुछ समय कच्छ में मौका मिल जाए काम करने का। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इस क्षेत्र में विकास कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हालत में कच्छ में भूकंप की त्रासदी भी आई, जो भी बचा खुचा था भूकंप ने वो भी तबाह कर दिया था। लेकिन एक तरफ माता आशापुरा देवी और कोटेश्वर महादेव का आशीर्वाद, तो दूसरी तरफ कच्छ के मेरे खमीरवंत लोगों का हौसला, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति। सिर्फ कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। मैं समझता हूं यही तो माता आशापुरा देवी के आशीर्वाद है। या निराशा का नाम नहीं, आशा ही आशा होती है। भूकंप में उनके घर भूकंप ने भले उनके घर गिरा दिए थे, लेकिन इतना बड़ा भूकंप भी कच्छ के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा पाया था। कच्छ के मेरे भाई बहन फिर खड़े हुए, और आज देखिए इस क्षेत्र को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। साथियों, आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है। आज कच्छ देश के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक अहम क्षेत्र बन गया है। यहां की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन, और पहले तो जनसंख्या का हिसाब देख लीजिए, माइनस ग्रोथ होता था, और जगह पे जनसंख्या बढ़ती थी यहां कम होती थी क्योंकि लोग चले जाते थे, और ज्यादातर सीमावर्ती इलाके से लोग पलायन कर जाते थे, और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो जो गांव कभी खाली हो रहे थे उनमें रहने के लिए लोग वापिस आते जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ा है। साथियों, जो कच्छ कभी वीरान रहता था वही कच्छ देश और दुनिया के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। कोरोना ने जरूर मुश्किलें खड़ी की है, लेकिन कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। एवरेज औसतन 4 से 5 लाख टूरिस्ट रणोत्सव के दौरान यहां आते हैं।
सफेद रेगिस्तान और नीले आसमान का आनंद उठाते हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कच्छ के स्थानीय सामानों की इतनी बड़े पैमाने पर बिक्री, यहां पारंपरिक खान पान की लोकप्रियता एक जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मुझे कई मेरे पुराने जान पहचान वालों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिल गया तो ऐसे ही मुझे बता रहे थे, बोले अब तो हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखे। मैंने कहा कैसे? बोले अब तो हम होम स्टे करते हैं, हमने घरों की रचना की है तो होम स्टे के लिए लोग रहते हैं, तो हमारे बच्चे भी बोलते बोलते बहुत कुछ सीख गए हैं। कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता है। मैं दुनिया के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, इससे जुड़े लोगों से कहूंगा कि भूकंप के बाद जिस तरह कच्छ का चौतरफ विकास हुआ है, मुझे लगता है कि केस स्टडी है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और ये किस प्रकार से मॉडल काम कर रहा है। इतने बड़े भयंकर भूकंप हादसे के दो दशक के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, और वो भी जहां ज्यादातर भूमि सिर्फ सिर्फ रेगिस्तान है, ये अध्ययन का विषय है। साथियों, मैं हमेशा मानता हूं कि ईश्वर ने मुझ पर कई कृपा रही है और ईश्वर की कृपा का ही कारण होगा शायद कि मुझे भी उस भूकंप के समय विशेष रूप से कच्छ के लोगों की सेवा करने का ईश्वर ने अवसर दिया। इसे संयोग ही कहेंगे कि भूकंप के अगले साल बाद जब राज्य में चुनाव हुए तो जिस दिन नतीजे आए वो तारीख भी 15 दिसंबर थी और आज 15 दिसंबर है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े भूकंप के बाद यहां पर हमारी पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे। बड़ी नकारात्मक चर्चा चल रही थी, लेकिन उस चुनाव में जब 15 दिसंबर को रिजल्ट आया तो देखा कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, वो आज भी उसी परंपरा चल रही है। आज भी देखिए आपके आशीर्वाद। वैसे साथियों, आज 15 दिसंबर की तारीख के साथ एक और संयोग जुड़ा हुआ है, शायद कई लोगों के लिए जानकारी सुखद आश्चर्य होगा। देखिए हमारे पूर्वज भी कितनी लंबी सोच रखते थे, कितने दूर का सोचते थे। आजकल कभी कभी नई पीढ़ी की सोच वाले लोग पुराना सब निकम्मा है, बेकार ऐसी बातें करते हैं ना। मैं एक घटना सुनाता हूं। आज से 118 साल पहले, 118 साल कोई कम समय नहीं होता है, आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही, 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए, भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र,
ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। अने भानुताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद, आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो किया गया है। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। आम लोगों का बिजली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के देश चल रहा है, उसे भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो काम होने वाला है, अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है, तो ये काम करीब करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा। साथियों, एक समय था जब गुजरात के लोगों की मांग होती थी कि कम से कम रात में खाना खाते समय तो कुछ देर बिजली मिल जाए, यही मांग होती थी। जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, जहां भी जाता था लोग यही मांग करते थे। आज गुजरात देश के उन राज्यों में से एक है जहां शहर हो या गांव, 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जाती है। आज जो 20 साल का नौजवान होगा, उसे पता नहीं होगा कि पहले क्या हालत थी। उसे तो अंदाज भी नहीं आएगा कि इतना बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव गुजरात के लोगों के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। अब तो किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना के तहत अलग से पूरा नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। किसानों को रात में सिंचाई की मजबूरी ना हो, इसके लिए विशेष लाइनें बिछाई जा रही हैं। भाई और बहनों, गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने नहरों तक पर सोलर पैनल लगा दिए, और जिसकी चर्चा विदेशों तक में हुई। मुझे याद है जब गुजरात ने सोलर पावर को बढ़ावा देना शुरू किया, तो ये भी बात आई थी कि इतनी महंगी बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि जब गुजरात ने इतना बड़ा कदम उठाया था
तब सोलर पावर उससे जो बिजली थी वो 16-17 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलने की बात थी, एक यूनिट 16-17। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात ने इस पर काम जारी रखा। आज वही बिजली गुजरात ही नहीं पूरे देश में 2-3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है। गुजरात ने तब जो काम किया था उसके तब के अनुभव आज देश को दिशा दिखा रहे हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, दुनिया की। हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा दोस्तों, बीते 6 साल में हमारी सौर ऊर्जा उसकी हमारी क्षमता 16 गुना बढ़ गई है। हाल में एक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग आई है। इस क्लीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी रैंकिंग जो है 104 देशों का मूल्यांकन हुआ और नतीजा ये निकला है कि दुनिया के 104 देशों में पहले 3 में भारत ने अपनी जगह बना ली है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में अब भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है, नेतृत्व कर रहा है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। एक समय था जब कच्छ में मां नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, वो यही कहते थे तो राजनीतिक बातें हैं, होने वाला कुछ नहीं है। कभी कभी लोग कहते थे 600-700 किलोमीटर दूर मां नर्मदा, वहां से पानी यहां कैसे पहुंच सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कच्छ का किसान हो या सरहद पर खड़ा जवान, दोनों के लोगों के पानी की चिंता दूर हुई है। मैं यहां के लोगों की विशेष प्रशंसा करूंगा जिन्होंने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांव गांव में लोग आगे आए, पानी समितियां बनी, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला, चेकडैम्स बनाए, पानी की टंकियां बनाई, नहरें बनाने में मदद की। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब नर्मदा का पानी यहां पहुंचा था, वो दिन मुझे बराबर याद था। जिस दिन मां नर्मदा का पानी पहुंचा, शायद दुनिया में कहीं पर भी कच्छी होगा, दुनिया में कच्छ के दूर सुदूर रहने वाला कोई कच्छी होगा, जब नर्मदा मां यहां कच्छ की धरती पर पहुंची थी, हर किसी की आंख में हर्ष के आंसू बह रहे थे। वो दृश्य मैंने देखा। पानी क्या है ये कच्छ के लोग जितना समझ सकते हैं शायद कोई समझ सकता है। गुजरात में पानी के लिए जो विशेष ग्रिड बनाए गए, नहरों का जाल बिछाया गया, उसका लाभ अब करोड़ों लोगों को हो रहा है। यहां के लोगों के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन का भी आधार बने हैं। देश में
हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। सिर्फ 1.25 साल के भीतर इस अभियान के तहत करीब करीब 3 करोड़ घरों तक पानी का पाइप पहुंचाया गया है। यहां गुजरात में भी 80% से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा पहुंच रही चुकी है। मुझे बताया गया है कि अगले कुछ समय में ही गुजरात के हर जिले में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पानी को घरों तक पहुंचाने के साथ साथ पानी के नए स्रोत बनाना भी बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ ही समंदर के खारे पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है। मांडवी में तैयार होने वाला डिसेलिनेशन प्लांट, नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का यह प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राणा, लखपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस प्लांट से इन क्षेत्र के करीब करीब 8 लाख लोगों को रोज टोटल मिलाकर के 10 करोड़ लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। एक और लाभ ये होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां आ रहा नर्मदा का पानी, उसका भी हम ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। ये पानी कच्छ के अन्य तालुका जैसे रापर, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार को सुचारू रूप से मिल सकेगा। साथियों, कच्छ के अलावा दहेज, द्वारिका, धोगा, भावनगर, गीर सोमनाथ, वहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेरणा देगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। भाइयों और बहनों, समय और जरूरत के साथ बदलाव करना, यही कच्छ की, गुजरात की ताकत है। आज गुजरात के किसान, यहां के पशुपालक, यहां के हमारे मछुआरे साथी पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों की खेती ज्यादा होने लगी है। सिर्फ 1.5 दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण यह रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांगनी अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि डेयरी और फिशरीज, इससे जुड़े दो सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है।
बहुत कम लोगों ने इसका स्टडी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जरूरी सहूलियत देती है, बाकी का काम या तो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं। अब आज अंजार की सरहद डेयरी भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं कच्छ में डेयरी होनी चाहिए इस बात को लेकर के शुरू में बात करता था तो जिससे मिलूं सब निराशा की बात करते, सब कहते थे साहब क्या अब यहां क्या ठीक है, थोड़ा बहुत हम इधर उधर कर देते हैं। मैंने कहा भाई छोटे से भी शुरू करना है, देखते हैं क्या होता है। वो छोटा सा काम आज कहां पहुंच गया है देखिए। इस डेयरी ने कच्छ के पशुपालकों का जीवन बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ साल पहले तक कच्छ से और वो भी बहुत कम मात्रा में दूध को प्रोसेसिंग के लिए गांधीनगर की डेयरी में लाया जाता था, लेकिन अब वही प्रोसेसिंग अंजार के डेयरी प्लांट में हो रही है। इससे हर दिन ट्रांसपोर्टेशन में ही किसानों के लाखों रुपये बच रहे हैं। अब सरहद डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट की क्षमता और बढ़ने जा रही है। आने वाले दिनों में यहां का डेयरी प्लांट हर दिन 2 लाख लीटर ज्यादा दूध की प्रोसेसिंग करेगा। इसका आसपास के जिलों के पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, नए प्लांट में दही, बटर मिल्क, लस्सी, मक्खन, खोआ जैसे अनेक मिल्क प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन भी संभव हो पाएगा। साथियों, डेयरी सेक्टर में जिन पशुपालकों को लाभ हो रहा है उसमें से ज्यादातर छोटे किसान ही है। किसी के पास 3 पशु हैं, 4 पशु हैं, किसी के पास 5, किसी के पास 7, और ऐसा करीब करीब पूरे देश में ही है। यहां कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत मौत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल कर के जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदें इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। साथियों, साल 2010 में बन्नी भैंस को राष्ट्रीय मान्यता भी मिली थी। आजादी के बाद भैंस की ये पहली ब्रीड थी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मान्यता मिली। साथियों, बन्नी भैंस के दूध का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्था यहां कच्छ में बहुत सफल रही है। देश में बाकी जगह पर भी दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास
किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं, मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं फिर एक बार कच्छ को अनेक अनेक बधाई देता हूं। अभी कुछ देर में जब मैं यहां आया हूं तो रणोत्सव के प्रति मेरा आकर्षण तो रहता ही है। कच्छ की विरासत, यहां की संस्कृति को नमन कर रहे एक और कार्यक्रम रणोत्सव का भी हिस्सा लूंगा। फिर से एक बार थोड़ा उस पल को जीने का प्रयास करूंगा। कच्छ के विश्व प्रसिद्ध व्हाइट डेजर की यादें भी अपने साथ फिर एक बार आज दिल्ली ले चलता जाऊंगा। कच्छ विकास की नई ऊंचाइयां छूता रहे, मेरी हमेशा यही कामना रहेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार।